Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to another lecture of Doctor Academy, an online free education platform. और जहाँ तक मुझे याद है कि जो लास्ट लेक्चर था 11th क्लास की बायोलॉजी न्यू बायोलॉजी बोर्ड की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स या इनको बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। उसमें हमने समझा था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया वो थी हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक प्रॉपर्टी हो गई, आज हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे जो अपना लेक्चर्स की सीरीज उनको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। देखें सेकंड है हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट। अब याद रखें हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम जो है वो अपनी कंसंट्रेशन में रखकर, अपने ख्याल में रखकर सिर्फ और सिर्फ अभी हम वाटर के मॉलिक्यूल को ही समझ रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हम उन्हीं की समझ रहे हैं, बाकी किसी चीज को आपको जहन में नहीं लाना है। क्लियर हो गई ये बात। अब क्या कहता है भाई, हाई स्पेसिफिक हीट, पहले आप समझे स्पेसिफिक हीट क्या है, उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल की हाई स्पेसिफिक हीट है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। देखें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, ओके, 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ डेड सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। किसी भी कोई भी हम प्योर सब्सटेंस उठाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, या हम कुछ भी सब्सटेंस उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंसीडर करना है वाटर के मॉलिक्यूल को, उसके 1 ग्राम का जब हम 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करेंगे, बढ़ाएंगे, और उस 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हमें हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, हीट का अमाउंट चाहिएगा हमें, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। क्लियर है यहाँ तक बात। अब नेक्स्ट पॉइंट कहती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है, हाई होने के वो 2 रीजंस बताता है। एक वाटर जो है वो पोलर है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है पोलर, वो हम लास्ट लेक्चर में और भी हमने क्लियरली समझा था उनको। सेकंड क्या है कि उसके अंदर एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन 2 रीजंस की वजह से। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा है तो हम उस पर इसी लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक हो गई ये बात। तो पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप इनको कहें वो जो है वो हाई है। 2 रीजंस है उनके, एक पोलर नेचर वाटर की, दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अच्छा वेपोराइजेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक लिक्विड कन्वर्ट हो जाए एक वेपर के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर कहता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, ठीक है, या हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वो भी हाई होती है वाटर की, उस पर हम बाद में आते हैं। ये सिंपली कहना ये चाहता है कि हीट का वो अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड हो किस चीज के लिए भाई, कि हम वाटर को लिक्विड फॉर्म में से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें जो हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होती है, मतलब किसकी तरह, स्पेसिफिक हीट की तरह हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी वाटर की जो है वो हाई होती है, ठीक है। उसके रीजंस भी कुछ हद तक यही है जो हमने अभी डिस्कस किए, पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी है भाई, 574 किलो कैलोरीज पर केजी, वाटर के 1 केजी यानी एक किलोग्राम को वेपोराइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 574 किलो कैलोरीज, ठीक है। किलो का मतलब होता है 1000, अभी इसके साथ आप 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा उतनी कैलोरीज, 1 किलो को वाटर के किलोग्राम को वेपोराइज करने के लिए उतना हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। और फोर्थ है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है, वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज इनटू H+ आयन एंड माइनस OH आयन, ठीक है। जब वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा तो उसमें से ये 2 आयन निकलेंगे, एक हाइड्रोजन का आयन एक माइनस OH आयन, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम इनको जो चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा
तुम उन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ताकि इस लेक्चर में जो ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीजें उनको कवर कर लें। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसा होता है जो कभी कम्प्लीटली ना हो, रिवर्स हो। ठीक है, अभी जिस तरह हाइड्रोजन सॉरी वाटर जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से आयंस बॉन्ड बनाकर मिलकर फिर से वाटर का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जा रहा है। दैट क्लियर? नेक्स्ट, ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ठीक है, आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी वाटर में मौजूद होने की वजह से वाटर को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है भाई। ओके, व्हाट इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल? व्हाट इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल? इट इज वेरी सिंपल। एम्फो का मतलब होता है बोथ या ड्यूअल। ठीक है, बोथ या ड्यूअल। अगर आप मुझे क्लास 9 से देख रहे हैं, तो क्लास 9 से मैं जब 9th में फ्रॉग का लेक्चर दे रहा था, राना टेग्रीना या फ्रॉग, ठीक है, वहां उस लेक्चर में मैंने समझाया था कि frog is an amphibian. Frog is an amphibian का मतलब ये है, ठीक है, वैसे ये एक साल पुरानी बात है, अभी भी मुझे याद है, एक डेढ़ साल। Water, sorry, frog is an amphibian. Amphibian का मतलब है उसकी dual nature, यानी कि वो लैंड पर भी रहता है, वाटर भी रहता है। तो उसी तरह water is an amphoteric molecule, तो उसकी मतलब है water is a dual nature molecule, यानी कि वो बिहेव करता है as acid as well as as base. Clear? क्या मतलब इसका कि water is an amphoteric molecule? It means It means water may behave as acid or base. वो acid की तरह भी behave करता है और base की तरह भी behave करता है। Clear हो गई ये बात? Next, last but not least is anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water को थोड़ा समझिए, it's very easy. Water shows different behavior below 4 centigrade. अच्छा, 4 centigrade से नीचे जब temperature होगा तो water एक अलग किस्म का behavior show करेगा। ठीक है, अब किस तरह का बिहेवियर शो करेगा भाई? उसका मतलब ये है कि मोस्टली आप देखेंगे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा, 4 के बाद 3 के बाद 2 1 0, फिर माइनस में -1 -2, इसी तरह चलता रहेगा। होता क्या है बेसिकली, टेम्परेचर लो होने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, उनके बीच दूरी कम होती है, ठीक है, उनकी स्टेट चेंज होने लगती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब ठीक है, सुकर जाना किसी चीज का, उसको कहते हैं सिंपली। तो लेकिन यहाँ पर वाटर के केस में ऐसा नहीं है, वाटर के केस में कुछ डिफरेंट है। यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मैटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो 4 सेंटीग्रेड वाटर एक्सपेंड्स, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय वाटर जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, व्हिच डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल थोड़ा एक्सपेंड होंगे तो उनकी डेंसिटी ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो कम होगी। सो एट 0 सेंटीग्रेड वाटर एक्सपेंड मैक्सिममली इन आइस कंडीशन। आइस कंडीशन में वाटर जो है वो मैक्सिममली क्या करता है, एक्सपेंड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आइस होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि जब हम उनको वाटर में डालेंगे, हाई डेंसिटी वाटर में, लिक्विड वाले फॉर्म जो है वाटर में, तो वो तैरती है आइस, ठीक है, डूबती नहीं है, तैरती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। क्लियर हो गई ये बात? सो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप अभी क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन है भी तो आप काइंडली कमेंट में पूछा करें, ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं। सो ये प्रॉपर्टीज थी, हाई स्पेसिफिक हीट in water molecule, high heat of vaporization, ionization of water and anomalous behavior of water. और our next lecture will be on carbohydrates. I hope you'd enjoy this lecture. और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करें। I will meet you in the next lecture. Till then, take care of yourself and your family. Bye.